नमस्कार, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। समूचे देश में कोविड 19 के प्रकोप के दौरान अनाथ हुए देश के 4000 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस की योजना में चयनित होने पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। महोबा जिला कलेक्ट्रेट में पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के हित में, आम जनमानस के हित में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। भारत सरकार के फैसले हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। इसमें सभी को प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस के तहत महुआ जिले के 2 बच्चों के साथ देश के 4000 बच्चों को भारत सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। 2019 कोविड में 20 से लेकर के 22 फरवरी तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना में खोया है, उन बच्चों के केयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक चिंतन किया। 6 मंत्रालय इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय लीड कर रहा है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, वो माता पिता तो वापस नहीं किए जा सकते। जिस समय उन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया होगा, उस समय उनके सामने बिल्कुल अंधेरा होगा, रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उन बच्चों को एक तरह से गोद लेना, उनकी चिंता करना, स्वास्थ्य की चिंता करना, पढ़ाई की चिंता करना, उनके भविष्य की चिंता करना, उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों को कुछ आयुष्मान कार्ड है, पढ़ाई के लिए है, उपलब्ध कराया है। मैं इतना कह सकती हूँ कि हम माता पिता बनके तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार उनके बच्चों के लिए माता पिता की तरह उनके लिए सहयोग के लिए खड़ी है। पूरे देश में आज हर जिला कलेक्ट्रेट में, मुख्यालय में, जो बच्चे जिले के माता पिता को खोए हैं, उन बच्चों को वहाँ बुला करके उनको प्रमाण पत्र भी दिए गए और उनको आश्वस्त भी किया गया कि सरकार आपके साथ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस गंभीरता को सराहना करती हूँ, अभिनम्रतापूर्वक अभिनंदन भी करती हूँ कि एक गार्जियन की तरह पूरे देश के बच्चों की छटनी करना, ये ढूंढना, ये बिना जिला के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। जिले के प्रशासन के भी हम आभारी हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे बच्चों को ढूंढा और ढूंढ करके भारत सरकार के वेबसाइट में दिया। आज उन बच्चों के लिए सहारा के रूप में सरकार खड़ी है। मैं शुभकामना देती हूँ कि बच्चे इस अंधेरे से निकल करके आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करें। महोबा से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।